हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड स्टार। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आप कैसे फायरस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेड स्टार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप फायरस में डिमांड अकाउंट ओपन नहीं किए फ्री डिमांड अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन कर देने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक होम पेज आ जाएगा एंड आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का फ्यूचर को ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो किसी भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को ऐड कर दीजिएगा। एंड ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपको लेफ्ट साइड टॉप में देखिए यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन शो करेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सर्च बार आ जाएगा, इस सर्च बार को सर्च कर दीजिएगा ओपन इंटरेस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे ओपन तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ओपन इंटरेस्ट कस्टम का, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर आ गया है एंड आप उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड के ऊपर माउस का कर्सर लेना है। जैसे ही माउस का कर्सर लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का सिंबल शो कर रहा है, आप यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो करेगा, MA लेंथ एंड MA टाइप। देखिए नीचे जो इंडिकेटर है ना, कौन सा कलर ओपन इंटरेस्ट का है एंड कौन सा कलर MA का है, वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टाइल के ऊपर। तो स्टाइल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा जो Y लाइन है ना वो ब्लू कलर का है एंड जो YMA है मतलब मूविंग एवरेज वो है ब्लैक लाइन का। ओके, तो आप अभी इनपुट के ऊपर आ जाइए एंड यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपको MA चेंज करना है ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं, नहीं तो टाइप SMA को EMA कर सकते हैं। आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे जो भी मॉडिफाई करना है कर सकते हैं। अभी ओके कर दीजिएगा एंड आपका देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर यूज हो गया है। अगर आपको यहाँ पे जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर को हाइड करना है तो यहाँ पे जाकर आप जो बॉक्स है ना इसको ऑन टिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वाई का मूविंग एवरेज है वो भी हाइड हो गया है, सिर्फ यहाँ पे जो लाइन प्लॉट हुआ है ये प्लॉट हुआ है ओपन इंटरेस्ट का लाइन। अभी आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। देखिए इसको लेकर आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और किसी वीडियो में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो सिंपल था, आप कैसे फायरस में ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके साथ एक क्विक चीट शीट शेयर कर लेता हूं जिसमें आप थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड वाई ऊपर जा रहा है, इसका मीनिंग है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है जो कि एक बुलिश साइन है। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, वो कॉशनली शॉर्ट है एंड बुलिश साइन है लेकिन इतना अग्रेसिव नहीं है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है वो एक शॉर्ट बिल्डअप है, बियरिश साइन है। तो आप यहाँ पे इस चीप शीट को स्नैपशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन इसको लेकर स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं एडवांस वे में और किसी वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।